जिला झांसी तहसील गरोठा अंतर्गत ग्राम सिमरधा में चल रहे दो दिवसीय माघ मेला दंगल का आज समापन हो गया। समापन दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में मऊरानीपुर विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश आर्य व विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम व सांसद पुत्र महेंद्र वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजित ग्राम प्रधान नरेंद्र राजपूत द्वारा मंचासीन अतिथियों का मंच पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद अतिथियों ने फीता काटकर व पहलवानों का हाथ मिलवाकर दंगल का शुभारंभ कराया। अपने संबोधन में जयप्रकाश आर्य पप्पू सेठ ने कहा कि दंगल प्रतियोगिता बुंदेलखंड की धरोहर है और इसका आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए, जिससे इस प्रकार के आयोजन विलुप्त ना हो सके। वहीं विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कहा कि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम में आकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इस पावन धरा पर आने का अवसर मिला। भारत देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, जो बाबा जी की सरकार है, निश्चित ही लोगों को भय सुरक्षा से निकाल के एक साथियों सुरक्षा देने का काम किया है बाबा जी ने। और साथियों, तमाम किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की, निश्चित ही हर एक आदमी को इसका लाभ मिल रहा है। झांसी जिले में साथियों